दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हमने सीटेट फरवरी 2015 के हिंदी भाषा फर्स्ट के सभी प्रश्नों को इसके चुना है। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट आंसर क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर लैंग्वेज हिंदी एज लैंग्वेज फर्स्ट। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी देंगे यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आगामी सीटेट और एसटेट के सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। निर्देश गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है कि भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि हे पवित्र पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यह अर्थ है कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़ हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश को से निपटने के लिए सामूहिक रूप से एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। प्रश्न नंबर 91, हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, संसार के सभी लोग। प्रश्न नंबर 92, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, परिप्रस आवरण पर्यावरण। प्रश्न नंबर 93, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं और यदि हम, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। प्रश्न नंबर 94, सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, बचा जा सके। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, चरितार्थ करना सिद्ध करना। प्रश्न नंबर 96, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, अपने उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 97, अरण्य संरक्षण का अर्थ है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, वनों की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 98, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों में। प्रश्न नंबर 99, क्रूर शब्द है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, क्रूर शब्द विशेषण है। निर्देश कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 में सबसे उचित वाले विकल्प को चुनिए। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमती सांसों की आवाज सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होंगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों के पहचान सकेंगे। प्रश्न नंबर 100, काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। प्रश्न नंबर 101, कवि को विश्वास है कि, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। प्रश्न नंबर 102, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, निराशा दूर होगी। प्रश्न नंबर 103, चांदनी का विशेषण है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, चांदनी का विशेषण है चटकीली। पर प्रश्न नंबर 104, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है,
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। प्रश्न नंबर 105, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही उत्तर है एक, कमल जो है कुसुम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुष्प, सुमन, प्रसुन कुसुम के पर्यायवाची शब्द हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। प्रश्न नंबर 107, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रयोगात्मक प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी प्रश्न पूछना, प्रक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा। प्रश्न नंबर 109, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः उचित है। प्रश्न नंबर 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक, भाषा का शिक्षण संबंधी रवैया। प्रश्न नंबर 111, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। प्रश्न नंबर 112, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सहज और वास्तविक रूप से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 113, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक संसाधन है या है। प्रश्न नंबर 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का रूप स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रशिक्षण प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 115, भाषा सीखने में सामाजिक विज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध से है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की से। प्रश्न नंबर 116, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 117, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सुनकर शब्द शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 118, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। प्रश्न नंबर 119, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। प्रश्न नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बाल साहित्य। ये आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं यही प्रश्न आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे, तथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अगर सब्सक्राइब करना अभी तक भूले हुए हैं आप चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।